स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है माइनिंग, इसे आज हम डिस्कस करेंगे और इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स और साथ में इसके सॉल्यूशंस, जो कि शायद बहुत ही नया टॉपिक होगा, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं माइनिंग के, वो ज़्यादा सेंटर फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल साइंस के संदर्भ में इसे देखेंगे। सबसे पहले माइनिंग क्या है? तो देखिए, एक्सट्रैक्शन वैल्यूएबल मिनरल्स का, इंसानों के लिए जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स उन्हें लगते हैं, वो उन्हें धरती से जिस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। और वो कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई ओर हो सकता है जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, कोई लोड दरारें हो सकती हैं, वेन, सीम, रीफ जो कि समुद्र वाला होता है, और ग्लेशियर डिपॉजिट जहाँ पे थोड़ा सा धरती के एक लेयर के नीचे हमें कुछ डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो अलग अलग जगहों पर माइनिंग की टेक्निक्स बिल्कुल अलग हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करके प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर रोल निभाते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो एक हम जनरल पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं, ये मिनरल बेल्ट्स हैं और ये लोकेशन है। तो एक है नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट। पेनिनसुला आप जानते होंगे, जो नीचे का इंडिया का ये वाला पोर्शन है वो पेनिनसुला में आ जाता है। और वहाँ पे छोटा नागपुर रीजन, ये महाराष्ट्र के उधर का हो गया, ओडिशा प्लेट्यू, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब आ जाएंगे इसमें। सेंट्रल में आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा महाराष्ट्र का। सदर्न में कर्नाटका, तमिलनाडु है। साउथ वेस्टर्न में कर्नाटका और गोवा है। और नॉर्थ वेस्टर्न में अगर बात करें तो राजस्थान और गुजरात के अरावली रेंज आ जाएंगे। यहाँ पर माइनिंग हो रही है और कोशिश भी की जा रही है, और ये बहुत ही ड्रास्टिक होगा हमारे फ्यूचर के लिए। और इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं कि अरावली पे माइनिंग को बिल्कुल भी ना होने दिया जाए, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया पड़ता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, एक हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीटीवी से लिया है। कैसे यहाँ पर इतने सारे न्यूज़ आउटलेट हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं। तो आप ये देखेंगे, फोर्थ बॉडी फाउंड इन ओडिशा माइन हिट बाई मिशप, मैनेजर सस्पेंडेड, 2019 का है। फिर से 2019 में ओडिशा माइन में फिर से दो बॉडी मिलती हैं। फिर आप देखेंगे 2018 में मेघालय माइन में, और फिर से आप देखेंगे 2018 में फिर से मेघालय माइन में। तो बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, डेथ हो रही हैं, और इनका रीज़न मैं अगर आपको बताऊं तो एक है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग क्या होती है? एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, वो वहाँ पे एक सुराख या गड्ढा करते हैं जिसमें एक 12 साल से 14 साल का बच्चा जा सके, एक दुबला पतला इंसान ही जा सकता है, उसे अंदर भेजा जाता है। और ये इतनी जो पतली माइन होती है, इनके ऊपर बहुत ही सेंसिटिव लेयर्स होती हैं, तो ये कभी भी टूट जाती हैं, उस इंसान की मौत हो जाती है। और गरीब लोग होते हैं तो बाद में इन्हें वो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ये क्योंकि अनऑफिशियली वर्क करते हैं, तो इन पर कोई भी इन्हें हर्जाना या कुछ भी नहीं मिल पाता है, तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल की बात होती है, लेकिन गरीबी में इन्हें करना पड़ता है। तो बहुत से लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं माइनिंग के, डेथ के। इस वजह से माइनिंग में, रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया गया है, फिर भी अभी भी इलीगली भारत में और कई जगहों पर और इसे देखा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की 2020 की आप न्यूज़ देखेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट है, आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, मेघालय माइन ट्रेजेडी, नेवी डिस्कवर्स सेकंड बॉडी 2080 फुट नीचे। आप सोच के देखिए 2080 फुट कितना ज़्यादा है, और रैट होल माइनिंग ही वहाँ पर हो रही थी, नेवी को बुलाना पड़ा। हाँ, कैजुअलिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मरे हैं उनके लिए इस बात का दुख है कि जो तरीका वहाँ पर अपनाया जा रहा था वो बिल्कुल गलत था। इम्पैक्ट देखिए, सबसे बड़ा है सॉइल इरोजन। वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, वो जो एनरूटमेंट होता है उसका वो लूज हो जाता है, तो उसके बाद कभी भी वो बेकार हो सकती है। एक एग्जांपल देखते हैं, ओके टेडी माइंस। देखिए, ओके टेडी एक रिवर है, ये रिवर आपको मिलेगी पापुआ न्यू गिनी में। तो पापुआ न्यू गिनी एक आइलैंड देश है, ठीक है, और ये आइलैंड देश के पास एक नदी है ओके टेडी रिवर। तो यहाँ पर ये लोग बहुत पहले माइनिंग कर रहे थे। किसकी माइनिंग कर रहे थे? कॉपर की, गोल्ड की,
और कुछ प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी का नाम भी था ओके टेडी माइनिंग लिमिटेड, OTML। तो ये 2002-2001 में माइनिंग कर रही थी, और माइनिंग करने के बाद इन्होंने वहाँ पे जो भी कंटामिनेटेड मिट्टी थी उसको वाटर में भेज दिया, जो कि वहाँ का नेचुरल वाटर था, और फिर उस वाटर की वजह से मछलियों की डेथ हुई, आसपास के लोगों को डिजीज हुई, और बहुत ही बड़ा मैसेकर होते होते रह गया था वहाँ पर। ओके टेडी माइन एक एग्जाम्पल को ध्यान रखेगा, इट इज़ लिंक्ड विथ माइनिंग एंड विद द सॉयल इरोजन। तो वहाँ की मिट्टी आज भी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है। सिंक होल्स की बात करें तो आपने सुना होगा सिंक का मतलब होता है जो कुछ भी सोख ले, तो यहाँ पे क्या सोखेगा, जब मिट्टी लूज हो जाती है, उसमें कैविटीज हो जाती हैं, तो वो हैजार्डस हो जाती है। अगर उस मिट्टी पे आप कोई घर बनाएंगे, कभी भी अंदर धस सकता है, आप रोड बनाएंगे, कभी भी रोड धस सकती है, ज़्यादा हैवी ट्रक या किसी गाड़ी के जाने पर भी वो जगह बेकार हो सकती है, अंदर जा सकती है, इन्हें हम कहते हैं सिंक होल्स। तो इनके बारे में पता नहीं लगता है, माइनिंग क्योंकि हो गई उसके बाद आसपास की जितनी भी सॉयल है उसको वो वीक कर देता है, उसके रिजल्ट्स बाद में दिखते हैं। वाटर पोल्यूशन तो सिंपली है, अगर माइनिंग होगी, मिट्टी वहाँ पे उड़ेगी, तो एयर पोल्यूशन होगा, साथ में वाटर पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको फिर डंप भी करेंगे। ये आप एक इमेज में देख सकते हैं, ऐसे कई बार आपने बारिशों में देखा होगा, भारत में भी ऐसे आप देख सकते हैं, सीवर पाइप इन्होंने डाला था, वो रप्चर हो गया, उसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये अंदर धंस गया है, और अगर इसके ऊपर कोई आदमी या कुछ भी जा रहा है तो वो अंदर जाके उसकी डेथ भी हो सकती है। एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल करेगा ये, क्योंकि वो पीएच को मॉडिफाई कर देगा। आप पीएच के बारे में शायद जानते ही हो, पीएच में पी है पार, पावर जिसे आप कह सकते हैं, और एच है हाइड्रोनियम आयन, तो एच प्लस आयन के पावर को हम पीएच से डिनोट करते हैं, और असलियत में पी का मतलब पार नहीं है, पी का मतलब जर्मन वर्ड में पोटेंस होता है, और पोटेंस को ही पावर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब, पीएच इंपॉर्टेंट है, एक केमिकल फैक्टर है। तो पीएच यहाँ पे ये पानी का जैसे ही बदलेगा, जितने भी बॉडीज हैं उनको डिजीज हो जाएगी, कुछ को डेथ हो जाएगी, और पानी बेकार हो जाएगा। वेजिटेशन को भी डिस्टर्ब करता है, उनको रप्चर कर देता है, और वेजिटेशन दोबारा उग सकती हैं, नहीं भी उग सकती हैं। ये इटाई इटाई डिजीज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कैडमियम पॉइजनिंग से रिलेटेड है ये, और इटाई इटाई जो नाम है ये एक जैपनीज नाम है, जैपनीज में इटाई इटाई का नाम है इट हर्ट्स, तो दर्द होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है बॉडी में, क्योंकि बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, और किडनी फेलियर तक की समस्या यहाँ पर देखी गई है। तो इन सारी डिजीजेज, इन सब नाम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरीज है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि माइनिंग कर ली क्या ना करें, देखिए करना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो पहला है, जब सिंक होल्स वाली जो दिक्कत है उसको आजकल पूरा किया जा रहा है बैक फिलिंग क्राउटिंग से। इसको देख लीजिए आप, बहुत ही नया है आपके लिए ये, इसके कई रिसर्च पेपर्स भी आपको मिलेंगे, इस पर रिसर्च बिल्कुल ऑन गोइंग है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, इस्तेमाल कर रहे हैं HCLGM। HCLGM क्या है, इसका फुल फॉर्म है हार्डेंड सीमेंट लाइम ग्राउटिंग मटेरियल। इस मटेरियल को सीमेंट से बनाया जाता है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे 16% इसमें सैंड है, सीमेंट इसमें 6% है, स्लेक लाइम है, फ्लाई ऐश है, पानी है, इन सबसे मिला के इस मटेरियल को बनाया जाता है। इसको लगाने पर जो सिंक होल फ्यूचर में बनने की परिस्थिति है वो नहीं होती है, और वो मटेरियल वहाँ पर ग्राउंड से वापस स्टिक हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसे। दूसरा है बिल्कुल नया, एर्बस्कुलर माइकोर्जिया, ये एक फंजाई है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है केमिकल्स के लिए। ये एक रिसर्च टॉपिक भी कई लोगों के लिए है, कई लोग इस पर काम अभी भी कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ये फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, और फाइटोरिमेडिएशन की अगर बात करें तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है इस समय। ये करता क्या है, ये जो रूट होती हैं उन रूट के कुछ सेल्स के साथ वहाँ पर बाइंडिंग करता है, और फिर वहाँ पर एयरबस्कल्स बना देता है। और इसके बारे में अगर मैं और बात करूं तो फाइटोरिमेडिएशन में इसका इतना ज़्यादा काम इसलिए है क्योंकि अब हमें लैंड को रीस्टोर करने के लिए, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज चाहिए, हमें नए नए लिविंग क्रिएचर चाहिए जो कि इंकलकेट हो जाएं सॉइल में, और फिर क्या करें वहाँ पर इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन का काम करें। तो फाइटोरिमेडिएशन में इस पर काम अभी भी जारी है।
बायो लीचिंग, इसको बिल्कुल इसको देख लीजिए, फिर से एक नई चीज़ है। इसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मदद से। तो जो माइनिंग अब तक हो रही थी, जो डिजास्ट्रस माइनिंग कर रहे थे तोड़ के लेयर्स, अर्थ की लेयर को तोड़ कर और जो कि डिजास्टर पैदा कर कर, वो अवॉइड किया जा सकता है बायो लीचिंग के द्वारा। तो बायो लीचिंग में जो ये आप देखिएगा, ये मैच द कॉलम में भी कई बार पूछा गया है, ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस फेरो आयरन है, ये आयरन के साथ एक चिलेटिंग कंपाउंड बनाता है, इसलिए ऐसा इसका कुछ नाम है। तो ये आप दो एग्जाम्पल तो कम से कम देख सकते हैं। बायोलीचिंग के एग्जाम्पल्स के साथ अब हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, चीप है, जो आप नॉर्मल माइनिंग करते हैं उसमें कई बार तो एक एक दिन में एक एक करोड़ रुपए भी खर्च हो जाता है, और ये सिंपलर है, ज़्यादा कन्वेंशनल से ज़्यादा सिंपलर है। इसमें आपको ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको बहुत से एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इसमें कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड एमिट नहीं होता स्मेल्टर्स में। स्मेल्टर में आप जानते होंगे जिसमें गलाया जाता है, और माइनिंग में ये ज़रूर होता है। इसके साथ ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत से एडवांटेजेस हैं। तो बायो लीचिंग हमने इसमें समझा, हमने माइनिंग को समझा, उसके डिसएडवांटेजेस और उनके क्या क्या ऑप्शनल हैं जो हम ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमने समझा। एक सवाल है आपके लिए 2013 पेपर से, ये हमारे माइनिंग से रिलेटेड है, एसिड ड्रेनेज क्या है और वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, इस पर हम अगली बार बात करेंगे। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।